ये होता है, वह राजा को जानता है क्योंकि राजा के पास ही धन मिलता है। तो पहले वो जो जैसे नाचार्य का है कि छत्र चमर आदि चिन्हों से यह जानता है कि ये राजा है, और ये जानकर फिर उस राजा के को श्रद्धान करता है कि यही राजा है, इसी से धन मिलेगा, और फिर वो उसका अनुचरण करता है, उसकी सेवा आदि करता है, जैसा वो बोलता है वैसा आचरण करता है। इस तरह दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक ही साध्य की सिद्धि, मतलब तभी उसको धन की प्राप्ति हो पाती है। इसी तरह जो मोक्ष का इच्छुक पुरुष है, उसको पहले जो स्वयं जीव है, आत्मा है, उसको जानना होगा, क्योंकि वो ही यहाँ पे राजा है। और फिर ये जानकर उसका जब श्रद्धान करेंगे और फिर उस रूप आचरण करेंगे, तभी हमारे जो मोक्ष रूपी साध्य की सिद्धि है वो हो पाएगी। अभी थोड़ा सा इसमें उत्थानिका में तो कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र साध्य सिद्धि, और दृष्टांत में ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसा क्रम क्यों बदला? बात ख्याल में आई ना, मूल में तो दर्शन ज्ञान चारित्र, और यहां तो कह रहे हैं कि जानो फिर श्रद्धान करो और फिर अनुचरण करो, माने ज्ञान श्रद्धान ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसा क्रम क्यों बदला है? कौन स्पष्ट कर सकता है किसको ख्याल में आए? जिसको ख्याल में आए वो हैंड रेस करे, उसी से पूछे। स्वस्ति ने तो अभी उत्तर दे दिया ना, और कोई? बोलिए, संभव बोलिए। भाई साहब, इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि बिना जाने श्रद्धा किसकी होगी, ये जानना जरूरी है। उसके बाद जो हमने जाना उसका फिर हम सम्यक श्रद्धान कर देंगे, और फिर वो वही जो श्रद्धा होगी वही ज्ञान है हमारा, वही उस वही ज्ञान को सम्यक संज्ञा मिल जाएगी। मैं इसको इस रूप में सुनना चाहता था, जब उत्पन्न होने की दृष्टि से बात करें तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धा, लेकिन जब उसके सम्यक पने की बात हो, सम्यक पने का जब उपचार को हो, चाहे उनमें सम्यक पना आएगा तो दर्शन सम्यक होने पर ज्ञान और चारित्र में सम्यक पना आता है, इसलिए वहां तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसी रूप में मोक्ष मार्ग की चर्चा सर्वत्र आती है। परंतु हुआ कैसे, क्या किया, अपने आप ही श्रद्धान हुआ क्या कि पहले जाना? इसलिए जानने से प्रारंभ करते हैं, तो होने की प्रक्रिया में ज्ञान पूर्वक श्रद्धान और फिर उसमें लीनता वाला प्रकरण, लेकिन जब उसके सम्यक पने की बात आती है तो सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं, इसलिए उसे पहले लेते हैं। ठीक है, अच्छा विश्लेषण किया। अब गाथा में तो अस्थि की ही बात की, दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि, और उसके लिए जीव अपने राजा की उदाहरण के माध्यम से अस्थि तो कह दी, नास्ति मूल गाथा में तो नहीं है, लेकिन न्याय की शैली है कि न्याय की शैली में अस्थि को और पुष्ट करने के लिए नास्ति लेते हैं, अन्वय को पुष्ट करने के लिए व्यतिरेक व्याप्ति है, तो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए इसके लिए। इसलिए उत्थानिका में भी कहा था कि न अन्यथा, तो अन्य प्रकार से नहीं। तो टीका में भी अपन ने इसको साध्य सिद्धि और अन्यथा असिद्धि, इस बात को न्याय की शैली में तथोपपत्ति और अन्यथा अनुपपत्ति इन शब्दों के माध्यम से कहा गया, जिसमें से साध्य सिद्धि की तथोपपत्ति कैसे है इसे एक प्रायोगिक रूप देते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया था। अब अन्यथानुपत्ति कैसे है, इस पैराग्राफ की अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसे आज हम इस दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और आपको जो दो तीन विषय तैयार करके आने के लिए कहा था उनको थोड़ा अभी गौण करेंगे, और कल आपसे जरूर पूछेंगे। 2 दिन का बीच में गैप, 1 दिन मैंने कर दिया और 1 दिन आपने जबरदस्ती कर दिया, कल आप कोई जुड़े नहीं, मैं बराबर 7:30 बजे से छात्र प्रवचन और इंतजार करता रहा। कोई बात नहीं, बाकी बाकी का जो विषय है उसको आप पुनः ध्यान से देख करके आए, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज एक ही पैराग्राफ लेकर के ही चर्चा अपन पूरी करेंगे। तो ये पैराग्राफ लीजिए सामने, टीका का तीसरा अंश।
बल्कि पूरी टीका ले लीजिए आगे, उसमें से पिछली टीका जितनी हुई एक बार पढ़ लेते हैं और फिर जो अन्यथानुपत्ति वाला प्रकरण है उसे विश्लेषण करते हैं। इसका अंश उधर चला गया है। हाँ, ये पंक्ति पढ़ते हुए तो गाथा का सामान्य अर्थ पहले पैराग्राफ में ले लिया, यथा ही कश्चित पुरुषः अर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धते ततस्तमेव अनुचरति तथा आत्मना मोक्षार्थिना प्रथममेव आत्मा ज्ञातव्यः तथा सैव श्रद्धातव्या सैव अनुचरितव्यश्च साध्य सिद्धे तथोपत्यनुपत्तिभ्याम। ये मूल बात लेते हुए अनुचरितव्यश्च, यहाँ तक तो मूल बात कह दी गाथा की बात। अब अमृतचंद्र आचार्य टीका में कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा ही करने से साध्य की सिद्धि क्यों होती है? क्योंकि साध्य सिद्धि की तथोपत्ति और अन्यथानुपत्ति इसी प्रकार से होती है और अन्य प्रकार से नहीं होती। कैसे? वैसे तथा ही कह करके आगे विश्लेषण करते लेकिन सीधा ही शुरू कर रहे हैं। तत्र यदा आत्मनः अनुभूयमान अनेक भाव संकरे अपि परम विवेक कौशलेन अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेति प्रत्यय लक्षणं श्रद्धानमुत्प्लवते तदा समस्त भावांतर विवेकेन निःशंकम् अवस्थातुं शक्यत्वात् आत्मानुचरणं उत्प्लवमानं आत्मानं साधयति इति साध्य सिद्धे तथोपत्ति। यस्ति की बात होगी, अब नास्ति की बात करते हैं। ये भी विशेषता है, आप बाद में इसे मिला लेना अमृतचंद्र आचार्य की टीका की या लिखने की शैली की। अस्ति और नास्ति की बात करेंगे तो बिल्कुल उससे विपरीत चलती जाएगी। सिद्धांत और दृष्टांत घटित करेंगे, दृष्टांत और सिद्धांत उनकी भी बराबर आप भाषा मिलाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से मिलती है। ये अस्ति नास्ति वाली बात आप बाद में मिला लेना। यदा तु आबाल गोपालमेव सकल कालमेव स्वयमेव अनुभूयमाने अपि भगवती अनुभूत्यात्मनि आत्मनि अनादि बंधवशात् परै समम् एकत्व अध्यवसायेन विमूढस्य अयम् अहम् अनुभूति इति आत्मज्ञानं न उत्प्लवते। विमूढस्य विमूढस्य आत्मज्ञानं न उत्प्लवते, तो विमूढ़ है। विमूढ़ का मतलब क्या? जैसे ज्ञान मोह, मोह शब्द है और मोह से जो युक्त होता है उसे मूढ़ कहते हैं। राग में से मोह से मोही भी कहते हैं लेकिन मोह युक्त, मोह सहित जो हुआ मूढ़, विशेष प्रकार से विमूढ़ माने अज्ञानी, मोह युक्त अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी के विमूढ़ के आत्मज्ञानम न उत्प्लवते, आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। कैसा आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता? अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानम, ये अनुभूति है, ये मैं हूं। अनुभवन संचेतन ये जो हो रहा है ये मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान किसे नहीं होता? विमूढस्य मोही को नहीं होता है। ये अनुभूति, ये मैं हूं, कौन मैं कौन, ये श्रीमद जी का एक दोहा छंद आत्म प्रसिद्ध, उसका नाम ही आत्म प्रसिद्धि है, वो उसी का दोहा आत्मसिद्धि, उसी में दोहा। तो उसमें ये पूछा कि आत्मा क्या, अभी हमारी तो पकड़ नहीं है, तो हमारी समझ में नहीं आता है, बताओ आत्मा, हमें तो नहीं आता समझ में। तो उसका उत्तर उसी से उसको दिया कि आत्मा नी शंका करे, आत्मा पोतेज आप,
शंकानो करणार्थे ये अचरज अमहात्म। वहां कह रहे कि आत्मा कौन, मुझे तो नहीं आता समझ, मैं तो नहीं मानता हूं। तो उससे कह रहे हैं ये आत्मा समझ में नहीं आता, किसे समझ में नहीं आता, या मुझे नहीं आता समझ में। तो जो जिसे समझ में नहीं आता ये बात समझ में आ रही है ना, यदि समझ में नहीं आता ये बात यदि समझ में आ रही है, तो वो जिसे ये प्रश्न खड़ा हो रहा है ना, वो वही आत्मा है। शंकानो करणार्थे, जो शंका कर रहा है वही तो आत्मा है, और याचरज हो रहा है कि वही खुद शंका कर रहा है कि मैं कौन, मेरा क्या। ऐसे ही कह रहे ये जो अनुभूति संचेतन संवेदन ज्ञान वेदन ये हो रहा है ना, यही तो आत्मा है। अब मैं कौन, आत्मा मुझे पकड़ में नहीं आ रहा, आत्मा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो अनुभूति यही मैं हूं, ये ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों? विमूढस्य, कि मोही है, अज्ञानी है, मूढ़ है, मूर्ख है। इसलिए अब उसे विमूढ़ता क्यों हुई, मूढ़ता क्यों हुई, ये बात भी कहते हैं। और मूढ़ता हुई इसलिए आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, और मूढ़ता नहीं होती तो क्या होता, कि होता कि क्यों होता, क्योंकि हो रहा है प्रति समय। तो किसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चर्चा मैंने आप पर छोड़ी है, तो प्रश्न में छोड़ता जाता हूं, उसका उसकी चर्चा में कल आपके माध्यम से करूंगा। सबसे पहली बात, यदा तू आबाल गोपाल में, किने आबाल गोपाल को, तो आबाल गोपाल का मतलब क्या, आज सुबह दादा का प्रवचन जिनने सुना होगा उनको ख्याल होगा, दादा के प्रवचन में भी आबाल गोपाल की चर्चा आई थी, फिर भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, कल चर्चा करेंगे इस पर। सकल काल में व स्वयमेव अनुभूय माने अपि, आबाल गोपाल सभी को, और सर्वदा सकल काल नित्य निरंतर अनुभव माने अपि, अनुभव में आने पर भी, और कैसे आ रहा अनुभव, कौन करा रहा है अनुभव, स्वयमेव सहज ही स्वयमेव ही। चार बातें हुई, आबाल गोपाल सभी को, सर्वदा और स्वयमेव सहज ही अनुभव में आने पर भी, अनुभव में आने पर भी किसका अनुभव हो रहा है, कौन अनुभव में आने पर भी, कौन, भगवती अनुभूति। या देखो आत्मा शब्द दो बार आया, आत्मा, लेकिन अर्थ अलग अलग आ जाएगा। दूसरा आत्मा है उसका अर्थ तो आत्मा है, और पहला आत्मा है उसका अर्थ है स्वरूप, स्वरूप है ना। अनुभूत्यात्मनि आत्मनि, अनुभूत्यात्मनि आत्मनि, अनुभूत्यात्मनि अनुभूत्यात्मक, और इसे सरल शब्द दिया अपन हमेशा प्रयोग करते हैं, अनुभूति स्वरूप, अनुभूति है स्वरूप जिसका, उसको कहा अनुभूत्यात्मक अनुभूत्यात्मनि। चूंकि आगे सप्तमी है इसलिए उसको भी सप्तमी कर दी, अनुभूत्यात्मनि और आत्मनि। तो आत्मनि यहां सप्तमी क्यों की, क्योंकि अनुभूय माने, ऐसे आत्मा के सदा अनुभव में आने पर भी, और उस आत्मा को क्या विशेषण लगाया, भगवान आत्मा। तो कहा भगवान, या तो भगवती लगाया है, वो अनुभूति के साथ लगाया इसलिए भगवती कह दिया, भगवती अनुभूति, माने अनुभूति को भगवती का, अनुभूति की महिमा के रूप में कहा, तो भगवान आत्मा, आत्मा के साथ उसे लगा ले भगवान आत्मा की, कैसा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। और ये या षष्ठी सप्तमी इसलिए लगी कि अनुभव में आने पर भी, सती सप्तमी बनाने के लिए, तो भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। अब पहले से यहां से लीजिए, आबाल गोपाल सभी को, सकल काल में एवं सर्वदा स्वयमेव ही अनुभव में आने पर भी, जब सबको सदा आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, फिर अनुभव नहीं होता है, आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता है वाली बात कहां से आई, फिर क्यों नहीं होता है, भी होता हो ही रहा है ना, फिर क्यों नहीं होता है। आपके लिए एक प्रश्न तो छोड़ा आबाल गोपाल, दूसरा प्रश्न कि सर्वदा कैसे अनुभव में आ रहा है, सर्वदा अनुभव में कैसे आ रहा है, ये प्रश्न दूसरा है ना।
और अनुभूति शब्द, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, या अनुभूति के लिए तो एक ही शब्द का उत्तर है, इसलिए मैं उसका उसका उत्तर मैं ही देता हूं। या अनुभूति शब्द से अनुभूति नहीं है, वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए अनुभूति शब्द कह रहे हैं, माने पर्याय वाली अनुभूति की बात नहीं है, अनुभूति स्वरूप कह करके तो त्रिकाली ध्रुव उस अर्थ में अनुभूति शब्द का प्रयोग किया है। ये यहाँ भी प्रयोग है और आगे चल के 73वीं गाथा में भी जो अनुभूति शब्द है वहां भी वह ध्रुव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अर्थ में ही अनुभूति शब्द का प्रयोग है 73वीं गाथा की टीका में भी, जहां शुद्धता की बात ली गई है। सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्बल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धः अहमेको खलु शुद्धो, शुद्ध की जो व्याख्या की, निर्बल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धः, तो वहां भी अनुभूति शब्द है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अर्थ में है, तो यहाँ भी अनुभूति, जैसे अनुभूति पर्याय के लिए कही जाती है लेकिन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कह रहे हैं, तो यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अनुभूति स्वरूप का अर्थ क्या, जैसे 6वीं गाथा में ये कहते हैं प्रमत्नी अप्रमत्नी एक गायक भाव, उसे शुद्ध भी कहते हो, तो प्रमत्तविनी अप्रमत्तविनी भी कैसा बताओ ना, प्रमत्तविनी अप्रमत्तविनी कैसा जाने उसे, या तो प्रमत्त होगा या अप्रमत्त होगा, कोई ऐसा जीव बताओ जगत का, संसारी भी नहीं और मुक्त भी नहीं, बताओ कोई है ऐसा, जैसा कोई प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी होगा, कैसे कैसा होता होगा फिर, इसलिए कहा ना दो जो सो दुसो चेव, बस वो ज्ञानियों को जैसा ज्ञात हो रहा है बस ज्ञात वह तो वही है, ऐसा कहकर कि वे कह रहे कि कैसा, जैसा अनुभव में आ रहा है वैसा है, अनुभूति का विषय है वह, शब्दों का विषय नहीं है, वाणी का नहीं है, विकल्प का नहीं है, वचन का नहीं है, मन वाणी और काया से तो पार वैसे ही है, मन वचन काया से पार, विकल्प से भी पार, तो कैसा कहा जाए कि जैसा ज्ञानियों के अनुभव में आता है वैसा, तो ज्ञानियों के अनुभव में कैसा आता है, अभी पीछे एक कलश अपन देख चुके हैं, आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानम आत्मनि निवेश निष्प्रकंपम एकोस्ति नित्यम अवबोध घन समन्ता, तो वहां ये कह रहे हैं ना कि शुद्ध नयात्मिका, आत्मा की अनुभूति के शुद्ध नयात्मक, तो यहाँ अनुभूति का विषय जो बनता है वो आत्मा की, कैसा है कि शुद्ध नहीं का विषय, तो कैसा कि त्रिकाली ध्रुव एक अभेद अखंड ऐसा आत्मा है, इसलिए अनुभूति शब्द का अर्थ वो द्रव्य स्वरूप वाला अनुभव आत्मा ही लेना है, पर्याय वाला नहीं लेना। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सकल काल में आबाल गोपाल में, सकल माने सर्वदा और सभी को, और स्वयं ही अनुभूय माने अपनी अनुभव में आने पर भी, तो इनकी चर्चा आपको करना है, सदा कैसे अनुभव में आ रहा है, आबाल गोपाल का तात्पर्य क्या है, ये आपको करना है। जब अनुभव में आ रहा है फिर आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ऐसा क्यों, ये बात यहाँ कहते हैं, अनादि बंध वशात पर ही समम एकत्व अध्यवसाये न, ये कारण है, आत्मा तो ऐसा ही है, भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ऐसा ही है, परंतु अनादि बंध वशात, अनादि से कैसा है, अनादि काल से कर्म बंधन सहित है, कोरमल जी भी दूसरे अधिकार में जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है, और कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार है, कोई ऐसा जीव बताओ, लोक के विभिन्न दर्शनों में मतों में एक मत ऐसा भी है उसका नाम ही है सदाशिव मत, सदाशिव, तो सदाशिव का मतलब क्या, उनके अनुसार कुछ जीव ऐसे हैं जो सदा मुक्त रहते हैं, कभी बंधे नहीं है, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है, सदाशिव माने कोई ऐसा हो कि भैया वो तो मुक्त ही है, जैन दर्शन के माने जैन दर्शन तो वस्तु स्वरूप है, इसलिए वस्तु स्वरूप के अनुसार जो जो मुक्त हुए हैं, ये भले अनादि प्रक्रिया है, लेकिन जो जो मुक्त हुए हैं वे संसार पूर्वक ही मुक्त हुए हैं, मुक्त भी अनादि से, संसारी भी अनादि से है, जो मुक्त हुए वह
संसार पूर्वक ही मुक्त हुए हैं। इसका मतलब जीव अनादि काल से तो कर्म बंधन सहित था, तो वो जो बंधन सहित है वो अनादि बंध वशात, उस बंध के कारण से परई समम एकत्व अध्यवसाये। अब यहां दो बातें लगाना, वो बंध का संबंध होने के कारण से वो जो उसकी दोनों की मिली जुली असमान जाति द्रव्य पर्याय जो होती आई, नर नारकादि रूप अनेक प्रकार की अवस्थाएं, वो अनादि बंध के साथ एकत्व होने के कारण से हुई, एक में पने के कारण से हुई, वहां एक क्षेत्राव का संबंध हुआ, संयोग संबंध हुआ, इसके कारण से नर नारकादि अवस्थाएं अनेक प्रकार की हुई, वो हुई अपने आप में वो ठीक, परंतु उसके साथ साथ में उसी में से मोनी कर्म के उदय से उसी बंध के वश से इस जीव ने भी उसके साथ एकत्व का अध्यवसाय कर लिया। वो एक क्षेत्राव का संबंध था अनादि से बंध के कारण से, लेकिन वो अनादि काल से ऐसा बंध होने पर भी, ऐसा एक क्षेत्राव का संबंध होने पर भी, जैसे भी छात्र प्रवचन में तीसरी गाथा चली उसमें कहा ना, वे जो एक क्षेत्राव होकर के भले ही रह रहे हैं लेकिन वे सबके सब अपने अनंत धर्मों का चुंबन करते हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करते, तो परस्पर एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं, और ऐसे उनकी अनंत व्यक्तिता कंकोत्कीर्ण सब अपने अपने स्वरूप में रहने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती है। ये जो उनका एक दूसरे रूप नहीं होना, ये जो स्वरूप है, इस कारण से अनादि से कर्म बंधन सहित होने पर भी जीव जीव रहा, जिन कर्मों से बंधा वो कर्म कर्म ही रहे, ये दोनों भिन्न भिन्न ही रहे, है भिन्न भिन्न स्वरूप से, लेकिन उनका संयोग या एक क्षेत्रावगपना देख करके मोह से अज्ञान से विपरीतता से इसे एकत्व पने का अध्यास हुआ। तो एकत्व अध्यवसाय नाम, एकत्व पने के अध्यवसाय से, अध्यवसाय विपरीत मान्यता, विपरीत ज्ञान, विपरीत अभिप्राय, उल्टा मान लिया, नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। और देह में निज पिछान करने से कैसा करता है, तन उपजत अपनी उपज मान, तन नशत आपको नाश मान। ये जो स्थिति बनी वो एकत्व का अध्यवसाय है, नहीं दोनों और एक मान लिया, और ऐसा एकत्व का अध्यवसाय मिथ्या ज्ञान होने के कारण से जो विमूढ़ हुआ, विमूढ़स्य ऐसे उस मोही को, अब वो एकत्व पने के कारण से जो देहादिक है वो देहादिक को ही अपना जानता है, अपना मानता है, ये मैं हूं, उसका संचेतन या दोनों के मिले जुले का संचेतन ये तो करता है, परंतु इन दोनों के मिले जुले में से वास्तव में मैं सिर्फ इसका जो संवेदन करने वाला, जानने वाला, संचेतन या अनुभूति शब्द दिया, या अनुभूति शब्द जो अयम अहम अनुभूति, या अनुभूति से हम उसको पर्याय वाली अनुभूति ले सकते हैं, ये अनुभूति ये मैं हूं, वो ये ऐसा उसे आत्मज्ञान उदित नहीं होता है, ये संवेदन संचेतन ही मैं हूं, वो उसके पकड़ में नहीं आता। और जो देहादिक का परिणाम चल रहा, फिर उसके साथ जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, रागी द्वेषी हो जाता है, तो वो तो पकड़ में आते हैं, अनुभव पकड़ में नहीं आता। ये कैसी विचित्रता है, ये जिस ज्ञान में सारा हो रहा है वो नहीं आता पकड़ में, और बाकी सब पकड़ में आते हैं। इसलिए प्रसिद्ध दृष्टांत है ना, गुरु ने छात्रों की परीक्षा लेने के लिए एक कमरे में 10 चीजें रखवाई और लिस्ट बनाने के लिए कह दी, और सारे छात्र 10 के 10 चीजों की लिस्ट बना करके लाए, सिर्फ एक विद्यार्थी को छोड़ करके 10 के 10 सबको फेल कर दिया, और एक ने 11 चीजों की लिस्ट बनाई, और गुरुजी कह रहे हैं इसने 11 चीजों की लिस्ट बनाई है, तो पहले कह रहे हैं देखो ये मूर्ख है, आपने 10 चीजों की लिस्ट बनाई, आप सब होशियार हो, बहुमत भी है ना आपका, आप सब बिल्कुल सही हो। बाद में कहते हैं आप सब मूर्खों और ये सही है,
वे 10 के 10 समझ रहे हैं, बाकी के सब सोच रहे हैं 10 थी 10 ही थी, अच्छी तरह से देखी, हम सबकी भी 10 ही हो रही है, ये कहाँ का डेढ़ अकल आया। गुजराती में डेढ़ डाया कहते हैं, मराठी में दीर्षाणा कहते हैं, ये डेढ़ा माने और आधी अकल इसकी क्या मिली जो 11वां इसको मिल गया, कौन सी चीज, जैसे तो 12 कहनी चाहिए, अभी तो दृष्टांत में 11 ही की बात कर रहे हैं। कह रहे वहां जब अंदर गए तो कह रहे सारी चीजें जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रही थी, वो 10 की 10 चीजें जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रही थी, वो प्रकाश नहीं दिखा सबको, बाकी सब चीजें दिख गई, तो वो जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रही वो प्रकाश नहीं दिखता और बाकी सारी चीजें दिखती है, दिख तो रहा है लेकिन वो माने उसका महत्व ख्याल में नहीं आता है। अब उजाला नहीं होता तो जाओ उस कमरे में क्या क्या देख कर क्या होता, आप अंदर जाते तो सबसे पहले क्या करते, उजाला नहीं होता तो क्या करते, सब उजाला करते ना, तो प्रकाश है, इसका महत्व उस समय ख्याल में नहीं आया ना अपने को। ऐसे यहां कह रहे हैं देह, जिसे देह को तुम अपना जान रहे हो, स्त्री पुरुष कुटुंब परिवार पर इन सबको अपना जान रहे हो और इनके प्रति जो तुम्हें मोह राग द्वेष हो रहे हैं, वो मोह राग द्वेष के परिणामों का वेदन कर रहे हो, उससे होने वाली आकुलता का दुख का वेदन कर रहे हो, ये सब का वेदन किसे हो रहा है, कौन है सब करने वाला, बाकी सबकी गिनती हो जाती है लेकिन ये इन सब का संवेदन संचेतन करने वाला पकड़ में नहीं आता, उसको पकड़ने की तरफ ध्यान दिलाना चाहते, इसलिए कह रहे हैं वो विमूढ़ से, जिसे वो तत्व का अध्यवसाय है उसे वो विमूढ़ अज्ञानी और उसे यह अनुभूति ही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उसे उत्पन्न नहीं होता, जबकि हर समय अनुभव में आ रहा है। ये बड़ी विचित्रता है, यही बड़ा ये संसार है। पहले जो समय सार प्रकाशित हुआ सोनगढ़ वगैरह से, उसमें आखिरी में एक पेज पर पुरुषार्थ सिद्धि बाय का एक श्लोक वहां अलग से छपा हुआ होता था, एक पेज पर, एक सबसे आखिरी आखिरी में, कर्म कृतैर भावैर असमाहितोपि युक्त इव प्रतिभाति मालिशाणाम स खलु भव बीजम भव हेतु। माने इस जीव के संसार का हेतु क्या है, वो कर्म कृतैर असमाहितोपि, माने कर्म कृत जितने भाव है, तो कर्म कृत में देहादि भी आए और रागादि भी आए, इन सब के साथ असमाहितोपि, ये एक में खोता नहीं कभी भी, फिर भी युक्त इव प्रतिभाति, फिर भी इसे यह युक्त है सहित है, ऐसा जो एकत्व का अध्यवसाय, एकत्व अध्यवसाय शब्द का प्रयोग किया, स प्रतिभालिशाणाम स प्रतिभासा, विमूढ़स्य, विमूढ़स्य शब्द दिया इसमें, उनका ये जो प्रतिभास है, स खलु भव बीजम, ये संसार का कारण, ये इस कारण कह रहे उसे आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता, तो आत्मज्ञान नहीं होता तो कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ा, साध्य की सिद्धि नहीं होती वहां तक कैसे पहुंचते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं, आत्मज्ञानम न उत्पलवते तद अभावात अज्ञात खर श्रृंग श्रद्धान समानत्वात श्रद्धानमपि न उत्पलवते। जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ तो आत्मा का श्रद्धान कहां से होगा, क्यों, क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं होता। तद अभावात माने ज्ञान के अभाव में, अज्ञात खर श्रृंग श्रद्धान वत अज्ञात खर श्रृंग श्रद्धान समानत्वात, यदि बिना जाने का श्रद्धान होना मान ले, अज्ञात का श्रद्धान मान ले, तो कैसा हो जाएगा, खर श्रृंग श्रद्धान समानत्वात, तो फिर गधे के सींग भी मान लो, गधे के सींग कभी किसी ने देखे नहीं, ज्ञान के विषय बनते नहीं है, और आप मान लो तो ऐसा ही गधे के सींग के समान हो जाएगा, मानना हो जाएगा। इसलिए यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो श्रद्धानम अपि न उत्पलवते, आत्म ज्ञान नहीं होता है तो उसके अभाव में आत्म श्रद्धान भी नहीं होता, तो ज्ञान की असिद्धि उसके कारण से श्रद्धान की असिद्धि,
और जब न ज्ञान हुआ न श्रद्धा न हुआ तब तदा समस्त भावांतर विवेकेन निष्कंकम अवस्थातुम अशक्यत्वात् आत्मानुचरणम अनुत्प्लवमानम न आत्मानम साधयति। जब न ज्ञान है न श्रद्धा है तब आत्मा कौन, इसका न ज्ञान हुआ न श्रद्धा हुआ, तो आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में स्थिर हो जाओ। जो ध्यान, खास करके दादाजी ये बार बार ये कहते हैं, भैया ध्यान के शिविर नहीं होते हैं, कैसा ध्यान करते हो, कैसे ध्यान किया जा सकता है, ज्ञान के बिना ध्यान कैसे भी तुम समझाओ। और जब ज्ञान हो जाएगा और उसकी महिमा आएगी, उसकी श्रद्धा हो जाएगी, तो जब श्रद्धावंत महिमावंत लगेगा तो उपयोग अपने आप ही उसमें टिकेगा। लेकिन जिसका ज्ञान ही नहीं, आत्मा का ध्यान करो, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, लेकिन कौन भाई, तो उसका ज्ञान नहीं श्रद्धा नहीं हो तो उस आत्मा का समस्त भावांतर विवेकेन, समस्त अन्य भावों से भेद विज्ञान पूर्वक निशंकम अवस्थातुम, निशंक तया उसमें स्थिर होना, अभी किसमें स्थिर होना, ज्ञान और श्रद्धा नहीं तो कहां स्थिर होंगे, इसलिए निशंक अवस्थान, निशंक तया स्थिर होना ये संभव ही नहीं। और इसलिए आत्म अनुचरणम अनुत्प्लवमानम, वो आत्मज्ञान और श्रद्धा नहीं होने से आत्मा का अनुचरण, आत्मा की स्थिरता, आत्मा का चारित्र ये भी अनुत्प्लवमानम, न उत्पन्न होते हुए माने उत्पन्न नहीं होता, और इसीलिए न आत्मानम साधयति, आत्मा की भी सिद्धि नहीं होती है। इसे ही कह रहे हैं साध्य सिद्धे अन्यथा अनुत्पत्ति, इस प्रकार से साध्य सिद्धि की अन्यथा अनुत्पत्ति है। क्यों अन्यथा, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हुआ ना, इसलिए अन्यथा नहीं हुई, इसलिए अन्यथा अनुत्पत्ति। तो ऊपर दर्शन ज्ञान चारित्र हुए थे इसलिए साध्य की सिद्धि हुई थी, यहां दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हुए इसलिए साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, अन्यथा अनुत्पत्ति। इस प्रकार से दृष्टांत पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र से सिद्धि होती, अन्यथा नहीं होती, इस बात को स्पष्ट किया। और अभी जो विशेष बातें आई है इसको आप पुनः कल देख करके आए, कल की कक्षा में इनकी चर्चा करके 20वां कलश, बहुत अच्छा कलश है इसमें भी। और इस बात को बल देने के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, कितना विश्वास है, इसलिए वो कहते हैं ना अनुभव सिद्ध, स्वानुभव, जैसे स्वयं अनुभव किया हो उसको कहने में कहां दिक्कत होती, इसलिए न खलु न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि कहने वाले हैं। अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती, ऐसा पुनः अगले कलश में बहुत मार्मिक शब्दों में कहने वाले हैं। तो 20वें कलश को भी जरूर आप देख करके आएंगे, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। और बराबर सभी समय पर उपस्थित रहे, कोई अनुकूलता या कोई दिक्कत हो तो मैं आपको पहले से ही सूचित करूंगा, बाकी आप बराबर सभी उपस्थित रहे। अभी तो कल कल की ही बात है, 24-25 हाँ 26 से तो अपना वार्षिकोत्सव वाला कार्यक्रम चलेगा 3 दिन के ना, है ना, इसलिए कल बराबर उपस्थित रहे तो 20वें कलश तक की चर्चा अपन पूरी करेंगे। बोलिए अंतिम मंगल। अंतिम मंगल, सभी लोग सावधान। अनंत धर्मणस्तत्व पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्, नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को साधर जय।